शंकर भगवान की जय। शंकर जी विराजमान है यहाँ पे, और क्यों ना होंगे, इतनी अच्छी जगह है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज का टाइटल और थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं आज अपनी सोनी माता के मंदिर में, जो हमारी कुल देवी भी है। तो आप लोग भी फ्रिक्वेंटली इस जगह पे जाते रहे होंगे, पर जो लोग आज तक नहीं गए हैं और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम एक गाइड लेके आ रहे हैं कि सोनी माता के मंदिर में कैसे कैसे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ से रास्ता है और कैसा माता का भवन है। तो आइए चलते हैं और डायरेक्टली आपको वहीं मिलते हैं। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों, वैसे तो रोड बहुत ही सीधा साधा है, पर अगर आप बाड़ी गाँव की तरफ से आते हो, जहाँ से ऊपर को रास्ता कटता है, तो कोटला नाम की एक जगह आती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है और ये जो सामने आपके रोड है वो बदाघाट से आ रहा है। तो दोनों रोडों से आप आओगे तो यहीं पे आके मिलोगे और यही रास्ता आपका सीधा सोनी माता के मंदिर तक जाएगा। तो जी, हमें माता के मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और भी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। ये अंकल जी हमारे, अंकल जी नाम बताइए अपना। पवन कुमार। पवन कुमार अंकल जी का नाम है। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह परचेज कर सकते हैं और ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो बोलिए जय माता दी। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। ये टॉप पे पहुँचते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो और श्रद्धालु भी यहाँ पे आए हुए हैं। दोस्तों, मंदिर में जाने से पहले आप हाथ पैर धो सकते हैं और यहाँ जूते उतारने का प्रोविज़न है। तो मंदिर में एंट्री हो चुके हैं अभी। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर और आप देख ही पा रहे हैं कि माता का भवन काफ़ी शांति का अनुभव हो रहा है। भाई बंदर बहुत है यहाँ पे, बंदरों से बहुत डर लग रहा है। बंदर कभी भी आके कुछ भी छीन के ले जाते हैं इनसे, थोड़े से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ अब मैं लंगर हॉल की तरफ। यहाँ पे आप अपना भी लगा सकते हैं, अगर किसी को अपने श्रद्धा भाव से दान पुण्य करना है तो यहाँ पे लंगर हॉल है। ये अपने स्नान गृह और शौचालय वगैरह है और इधर इसके साथ ही ये हमारा लंगर हॉल है सोनी देवी माता का। यहाँ पे लकड़ियाँ लुकड़ियाँ रखी जाती हैं इस साइड में। और ये देखिए, भोजन को 1 मिनट लगता है फेंकने में, लेकिन कई महीने लगते हैं इसको योग्य बनाने में। तो इस बात पे पूरा ध्यान दीजिए, किसानों की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने अन्न की रिस्पेक्ट कीजिए। और ये हमारा लंगर हॉल जहाँ पे लंगर बनाया जाता है। और ये हमारे पहाड़ों का देसी चूल्हा, जहाँ पे मैंने बताया था कि बर्तन बटलोइयों में यहाँ पे सब चीज़ें बनती है, क्योंकि एक दो इक्का दुक्का लोगों का तो काम होता नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को खाना इकट्ठा बनता है। और ये छोटे मोटे चूल्हे अगर आपको कुछ और चीज़ें भी बनानी है, तो ये पहले खुला था पर अब यहाँ पे बंद कर दिया हुआ है। और इसमें बहुत अच्छी चिमनी भी यहाँ पे बनाई हुई है, मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से पूरा धुआं डायरेक्टली बाहर चला जाता है। नहीं तो यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा होती थी कि जो भी अंदर कुक जो होते थे, जो खाना बनाने वाले होते थे, उनकी आँखों में धुआँ बहुत लगता था। तो उन्होंने कई बार शिकायत की थी इस बात की। तो अभी ये पूरा कर दिया गया है, इसको बना दिया गया है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे थोड़ी इसलिए नहीं चल रहा है प्रोग्राम यहाँ पे, क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, और वो सब जगह पे ही है। तो अगर आपको दान पुण्य भी करना है इसके चलते हुए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये इसका स्टोर है जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और बिल्कुल मैं भी इस चीज़ पर ध्यान देता हूँ, बिल्कुल सफाई का ध्यान रखें और ऑलवेज़ आप यही कीजिए। तो आइए माता के दर्शन कर लेते हैं और एक बार मैं फिर से आपको परिसर घुमा दूंगा। अगर कुछ चीज़ हमसे छूट गई है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप मंदिर आए हैं तो आसपास जरूर आइए, क्योंकि आसपास ऐसी जगह हैं, बहुत अच्छी जगह हैं, जहाँ पे आप लोग बैठ के थोड़ी देर पिकनिक का भी मज़ा ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो हाइट पे होने के कारण यहाँ पे टावर भी प्लेस किया हुआ है। और ये देखिए, ये बाबा बालकनाथ का मंदिर है छोटा सा। जय बाबा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो
अभी यहाँ से तो देख ही पा रहे होंगे मेरी, तो ये वो चिमनी है जहाँ अंदर से इसको बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा काम किया गया है। और ये देखिए, हम काफ़ी बार उस जगह पे बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी जगह है, नीचे का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। और प्लीज़ क्वालिटी को आप बढ़ा के ही देखना, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे कि किस तरह का व्यू यहाँ पे। अगर हवा की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हवा का मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। तो एनीवे, आइए अब चलते हैं मंदिर की तरफ, चलते हैं दर्शन करते हैं माता के, और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं डर, बंदर ने डंडा उठा लिया, बंदरों के डर से। अनुज भाई, डंडा काहे को उठाया हुआ? अटैक मैं मेरे हिसाब से तो नहीं करा अभी इन्होंने, अगर आप इनको छेड़ोगे डराओगे तो डेफिनेटली अटैक करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब माता के मंदिर में चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं, बोलिए जय सोनी देवी माता की। जय हो माता, जय हो। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय। तो आइए दोस्तों, अब मंदिर की फेरी ले लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर नीचे आप प्रसाद नहीं ले पाए हैं, तो यहाँ पे भी आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, ये यहाँ पे भी शॉप अवेलेबल है जहाँ पे प्रसाद वगैरह आपको मिल जाएंगे। रुक जाओ, तो यहाँ पे हवन वगैरह आप लोग करवा सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अपना भी कोई हवन करना है तो यहाँ पुजारी जी को बोल के हवन वगैरह भी हो जाता है। और ये हनुमान मंदिर, तो बोलिए बजरंग बली की जय। केसरी रंग में हमेशा डूबे रहते हैं, इनका रंग भी केसरी है और राजपूतों का रंग भी केसरी है। जय भवानी, और ये हमारे शनिदेव। बहुत ही मेहनत से मंदिर परिषद के आदमी मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, और बहुत ज़रूरी है मेंटेनेंस भी, क्योंकि अगर मेंटेन नहीं करोगे आप किसी भी चीज़ को तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और ये भी हमारा नीचे की तरफ जो बद्दाघाट, घुमारवीं पट्टा, यहाँ सब जगहें दिखती हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप समझ जाते हो। और वो खड़ी है हमारी गाड़ी, और गाड़ी को भी यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम बढ़िया रोड है। ये लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये एक्चुअली जो यहाँ पे रिटेन वॉल थी वो थोड़ी सी बारिश वगैरह के कारण नीचे खिसक गई थी। अभी अगर मैं साइड से आपको बताऊँ, ये वाली ये पत्थर की दीवार थी एक्चुअली, अब यहाँ पे आरसीसी की बनने वाली है। तो ये मंदिर परिषद के ही लोग हैं और मंदिर का ही पैसा इसमें लग रहा है। तो देखिए पूरी मेहनत भाई जी हमारे हाथों में मार रहे हैं। तो दोस्तों, माता के मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं, अब थोड़ी देर कुछ स्नैक्स कर लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आ रही है, जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा मेरा तो। और अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका इलाज हम करते हैं वैसे। गौरव जी कृपया कैमरे के सामने जाइए, यहाँ यहाँ जो भी आपको नौटंकी करनी है यहीं पर करें, ताकि लोग भी देखें। बिल्कुल, एक योग आसन ही दिखा दीजिए, ताकि उससे भी। स्कूल में हम एक आसन करते थे बहुत अच्छा, मुर्गासन। तो मुर्गासन, अनुज जी आप बताएंगे ना कि मुर्गा किस तरह से, थोड़ा बढ़िया मुर्गा थोड़ा गाइड कीजिए इनको, बड़े थोड़ा पीछे होके बताइए कि हाँ जगह देखिए आप कितनी अच्छी है। अगर यहाँ पे अभी आप आते हैं किसी के साथ तो जरूर यहाँ पे आइए, मंदिर से बिल्कुल पास में ही आइए, थोड़ा सा नीचे आप उतरोगे तो यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ही अच्छी हवा यहाँ पे चली रहती है, सनलाइट बिल्कुल अच्छी मिलती है, और बहुत ही मज़ा आपको आएगा। अनुज ज़्यादा आगे मत हो भाई। ये देखो दोस्तों, पहाड़ों में आपको ऐसी चीज़ें भी देखने मिलेंगी, ये छोटी सी बकरी पता नहीं ये खा क्या रही है इस मिट्टी पे, छोटे छोटे पौधे हैं उनको खा रही है। और ये इसकी मम्मी बहुत ही आराम से अपना खाना खाते हुए,
दोस्तों अब आ गया जाने का टाइम और हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे थे उस पत्थर पे, जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और थोड़ी गप्पे मारने के बाद, थोड़ा अच्छा टाइम व्यतीत करने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं वापस। तो मिलते हैं डायरेक्टली आपको कार के पास और आप देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। तो हम आ चुके हैं जी गाड़ी के पास, आइए बैठते हैं और चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और आज पूरा दिन हमारा यहीं पर निकल गया, पर बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी शांति का अनुभव हमने किया। और ये देखिए माता का पूरा परिसर। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।